बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो तकरीबन 10 रोज़ तक मुज़ाकरात जारी रहे, स्टाफ लेवल के, टेक्निकल लेवल के जो मुज़ाकरात थे वो कल इख्तिताम पज़ीर हुए, और हमने देखा है कि आईएमएफ की जानब से भी एक प्रेस रिलीज़ जो है उसको जारी किया गया, और हुकूमत की जानब से फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कुछ उसकी तफसीलात जो थी वो सामने रखी। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये तकरीबन 23 या 24 मरतबा है हम आईएमएफ के पास पिछले तकरीबन 70-75 सालों में आईएमएफ के पास गए हैं। ये जो मौजूदा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम जो था, ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2019 में साइन किया था, और उस वक्त भी वैसे कहा यह जाता था कि काफ़ी लेट पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ के पास गई। पिछले साल अर्ली पीटीआई उससे बाहर निकल आई, जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने दोबारा से उनसे मुज़ाकरात करके मुफ्ती इस्माइल साहब ने इस प्रोग्राम को रिस्टोर करवाया, और जो ओरिजिनल 6 बिलियन डॉलर का प्रोग्राम था उसको 7 बिलियन का किया गया, चूँकि ओरिजिनली तकरीबन 39 मंथ्स का ये प्रोग्राम था। अब ये हुआ कि ये जो 9th रिव्यू था ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग हो रहा था, बिकॉज आईएमएफ ये कह रही थी कि जो आपने हमारे साथ यानी एग्रीमेंट किया है या समझौता किया हुआ था, शराइत जो मानी थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अल्टीमेटली दे केम टू पाकिस्तान, यहाँ पर बातचीत हो गई है, और प्रेस रिलीज़ के अंदर 3-4 मोटी मोटी चीज़ें जो वो पहले भी बातें करते रहे, अब भी वो यही है कि आप अपनी जो हुकूमत की आमदनी है यानी टैक्सेस है, रेवेन्यूज़ है, उसको आप बढ़ाएं, और आपकी जो गैर ज़रूरी सब्सिडी है उसको भी ख़त्म कर दें, साथ ही साथ आप जो टारगेटेड सब्सिडी है उसको आप ज़रूर दें जो कमज़ोर तबके हैं या मुतासरीन है सैलाब से। फिर उन्होंने कहा है कि जो डॉलर है उसको आपने मार्केट के ऊपर छोड़ देना है, आपने ख़ुद से उसको कैप नहीं करना किसी भी जगह के ऊपर जाके कि जी एक डॉलर कितने का होगा रुपी के मुकाबले में। फिर उन्होंने एनर्जी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जो सामने बात आई है उनके प्रेस रिलीज से कि आप अपनी एनर्जी सेक्टर को ज़रूर डेवलप करें, लोगों को बिजली ज़रूर दें, एनर्जी ज़रूर दें, लेकिन उसके ऊपर सर्कुलर डेट जो है उसको आप ख़त्म करें, कम करने की कोशिश करें, क्योंकि तकरीबन 2500 से 2600 अरब रुपये जो हैं वो बिजली के हैं। इसी तरह जो गैस का सर्कुलर डेट है वो भी शायद 1500 अरब है या इससे ज़्यादा होगा, ये प्रोग्राम में हम ये जान भी लेंगे। सो ये वो चीज़ें, और फिर उन्होंने ये कहा है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का बहुत ज़्यादा फुकदान है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो भी उनके साथ एग्रीमेंट्स करती रही हैं वो पूरे नहीं करती रही उनके साथ जो शराइत उनके साथ मान के हम आते थे। सो इस वजह से अभी भी उनके अंदर एक शक व शुबा पाया जाता है। अब देखना यह है कि चूँकि उन्होंने कहा है कि ये ऑनलाइन भी मुज़ाकरात जो हैं मंडे से ऑनवर्ड चलते रहेंगे, और जब स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर बोर्ड में जाएगा और बोर्ड अप्रूवल देगा, और 1.2 बिलियन डॉलर की जो हम एक किस्त उनसे तवक्को करके बैठे हुए हैं वो हमें मिलेगी। इन तमाम इश्यूज़ और इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं हमारी मईशत के ऊपर, हमारी आवाम के ऊपर, महंगाई के ऊपर, इन इश्यूज़ को भी हम अपने प्रोग्राम में टेकअप करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मेहताब हैदर साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, द न्यूज़ अखबार से जो है आप मुंसलिक हैं, एक बड़े लंबे अरसे से आप इकोनॉमिक और फाइनेंस को कवर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मेहताब साहब आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप माहिर माशियात हैं, बहुत गवर्नमेंट को मुख्तलिफ इदारों को जो है वो फाइनेंस और इकॉनमी के ऊपर आप मशवरे भी देते हैं, कंसल्टेशन भी करते हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। काशिफ अनवर साहब हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आप सदर हैं, काशिफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मेहताब साहब थोड़ा सा मुझे आवाम के लिए बता दें कि वी आर स्टैंडिंग एट द मोमेंट, बिकॉज एक तो ये है कि उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस पॉलिसीज़ का पेपर जो है वो तो गवर्नमेंट को देते जाते हुए दे दिया, बट साइन नहीं हुए अभी, तो वेयर वी आर स्टैंडिंग? जी थैंक यू वेरी मच। देखें बुनियादी तौर पे ये 9वें जायजे की जो टॉक्स हैं ये 31 जनवरी को शुरू हुई और 9 फरवरी को रात को कल कंक्लूड हुई। प्राइम मिनिस्टर के हाउस में लेकर गए थे जो आईएमएफ के मिशन चीफ हैं और उनकी टीम को, और एक वर्चुअल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उन्होंने की। जो बुनियादी बात है वो ये है कि MEFP का ड्राफ्ट आज फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने दिया है, और उसके साथ साथ अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। इस दफ़ा आईएमएफ ने एक चीज़ चेंज की है, पहले ये होता था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता था, इस दफ़ा उन्होंने प्रायर एक्शंस पहले रखे हुए हैं, वो प्रायर एक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे,
और इन्फोर्स जब उनको कर लेंगे तो उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा और फिर ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद लेटर ऑफ इंटेंट है, तो वो जो बात सॉरी मैंने शुरू में कही है कि एतमाद का फुकदान पाया जाता है, वो कहते हैं जी आप लोग पहले अमल दरामद तो करके दिखाए ना हमें। ये बिल्कुल ये तो है, लास्ट पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी किया था और उससे पहले भी पाकिस्तान को वन और टू ट्रांच कंट्री के हवाले से 90s में हमें जाना पहचाना जाता था। तो ये बुनियादी ट्रस्ट डेफिसिट तो इसमें कोई शक नहीं है कि है। तो ये फिर उसके बाद वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हो जाएगा तो फिर वो अपनी रिपोर्ट लिखकर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास लेके जाएंगे और $1.2 बिलियन की ये किस्त जो है वो होगी। जो प्रायर एक्शंस हैं उनमें एक तो आपने बिल्कुल बता दिया कि हम ये जो आर्टिफिशियली मैनेज करके रखने की कोशिश करते रहे हैं, ये इसको हम आर्टिफिशियली मैनेज नहीं करेंगे, फ्री फ्लोट रखेंगे मार्केट डॉलर को जी बिल्कुल जी। उसके अलावा 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने हैं हुकूमत ने, वो मिनी बजट जो है वो इस दौरान आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है उसके अंदर इंक्रीज़ करनी है, वो डिपेंड करता है कि हम बेस टैरिफ कितना बढ़ाते हैं और क्वार्टरली टैरिफ और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कितनी करते हैं। ये कुछ तकरीबन अभी इसके बारे में हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान मज़ीद इसके बारे में बातचीत होगी। इसके अलावा जो गैस का टैरिफ है वो 25 से 30% गैस का टैरिफ भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स है जो कि तकरीबन आइंदा 5 माह के दौरान हमें जून तक कुछ तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर्स एडिशनल चाहिए, वो सारे मैनेज होंगे, उनकी कन्फर्मेशन होगी और ये कन्फर्मेशन होगी तो आईएमएफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके भिजवाएगा। चूँकि आईएमएफ की भी क्रेडिबिलिटी का इशू है, जो लास्ट 7वां और 8वां रिव्यू हुआ था काफ़ी पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कन्फर्मेशन की थी लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुई। तो अभी आईएमएफ की क्रेडिबिलिटी का इशू है, वो भी चाहते हैं कि पहले कन्फर्मेशन हो तो उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो। ये ना हो कि आईएमएफ का एग्रीमेंट हो भी जाए तो पाकिस्तान की जो बुनियादी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो। तो इसलिए ये सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इनको अबूर करेंगे तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। डॉक्टर साहब आप कैसे देखते हैं जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं इस वक्त, डिस्पाइट द फैक्ट के मुश्किलात जो हैं वो सामने हमारे दिखाई दे रही हैं, सो वेयर वी आर स्टैंडिंग विद आईएमएफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि ये एग्रीमेंट जो है मेरे ख्याल में नवंबर के पहले हफ्ते में होना चाहिए था, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। 3 नवंबर की डेट है, MEFP अगर आप पढ़ें जो हमने 29 अगस्त को बोर्ड से अप्रूव करवाया था पाकिस्तान के लिए, उसमें यह लिखा हुआ है कि 3 नवंबर को मिशन आएगा। मेरे ख्याल में 3 नवंबर से अगर आप 9 दिन लें तो पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तब होना चाहिए था। हम एग्जैक्टली 100 दिन के बाद खड़े हुए हैं आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और हम अब भी यही कह रहे हैं कि हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इंशाल्लाह आने वाले कुछ हफ्तों में कर लेंगे। फॉर मी दैट्स नॉट अ कम्फर्टेबल पोजिशन। 3 अरब डॉलर से कम के जखायर हैं, $2.9 बिलियन के एग्जैक्टली $8 अरब की पेमेंट है अगले 5 माह में। दिस इज नॉट अ गुड पोजिशन टू बी इन। पाकिस्तान ने अगर 2-3 छोटी मोटी चीजें ज्यादा भी करनी पड़ जाती, टैक्सेस हैं, ऑल दीज वुड हैव लेड कि आप अपनी जो सर्टेनिटी का लेवल है वो बहुत बढ़ा सकते थे। आपने अपना सर्टेनिटी का लेवल जो है वो अभी भी अनसर्टेनिटी में ही रखा हुआ है, उसकी वजह से आपके बॉन्ड्स आज भी ड्रॉप किए हैं इंटरनेशनली, आपकी स्टॉक मार्केट आज भी ड्रॉप की है लोकली, सो मार्केट्स रिमेन जिटरी। इसके अलावा जो सबसे बढ़ के बात यह है कि आपके जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं एक्सटर्नल, वो आप जरा देखिए कि आपने $2 बिलियन रीफाइनेंस कमर्शियल इजीली करा लेते आप तो आपके रिजर्व्स 2.9 अरब डॉलर पे कतई तौर पे ना होते। अगर आप 2 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया से ले लेते जिन्होंने भी आपको बारहा कहा कि आप IMF के साथ के रिजर्व्स 2 अरब वहां पे बढ़ते, अगर आप 1 अरब डॉलर UAE का भी ले लेते IMF के एग्रीमेंट के बाद तो वो भी बढ़ते, आपके रिजर्व्स की लेवल बहुत बेहतर होती और ये अनसर्टेनिटी की फिजा खत्म हो जाती। बहरहाल जो डिले हुआ सो हुआ, आई थिंक अब भी वक्त ये है कि प्रायर एक्शंस जो हैं जैसे मेहताब ने सही सामने रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे हो, गैस पे हो, टैरिफ्स पे हो, ये अपने FPR पे हो, मॉनेटरी पॉलिसी पे हो, चाहे वो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट पे हो, उसको कतई तौर पे डिले नहीं करना चाहिए। IMF से बातचीत 14 फरवरी यानी कि जो वैलेंटाइंस डे है उस दिन होनी है हमारी नेक्स्ट,
जब आप उनसे बात करें तो MEFP आपको मिल गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझता हूँ कि लोग MEFP मेरे ख्याल में तो आज से 4 दिन पहले पाकिस्तान को लेना चाहिए था। मंडे से MEFP की डिस्कशन होनी चाहिए थी। पॉलिसी लेवल टॉक्स करते हुए MEFP की डिस्कशन अगर आप कर लेते तो आपको बहुत क्लैरिटी होती कि क्या टैरिफ्स का चेंज जो है एग्जैक्ट होना है। अभी भी अथॉरिटीज ने यही कहा कि हम देखते हैं कि टैरिफ में क्या एडजस्टमेंट होनी है। आई थिंक इस पे सर्टेनिटी क्रिएट करें और आगे बढ़ें। सबसे बड़ा नुकसान इसके अलावा यूं हो रहा है कि आपकी एक्सपोर्ट्स हर्ट हो रही हैं, बिकॉज 11,000 कंटेनर जो हैं इस वक्त भी पोर्ट पे खड़े हैं। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, 230 मिलियन के मुल्क के लिए, एक न्यूक्लियर पावर मुल्क के लिए, एक वो मुल्क के लिए जो कि जिसमें बहुत गुंजाइश है चीज़ें करने की, इज़ नॉट अ गुड पोजिशन। मेरी बेस्ट केस सिनारियो आज ये है कि एंड ऑफ मार्च पाकिस्तान 1.2 बिलियन डॉलर की बोर्ड अप्रूवल ले लेगा। आखिर में मैं ये कहूं कि अगर आप गौर से कम्युनिके IMF का पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आजकल बातचीत हुई है ये बोर्ड में ले जाने के लिए मौजूद नहीं होगी, इससे बहुत आगे काम करना पड़ेगा। सो दिस इज अ सीरियस सिचुएशन वेयर वी स्टैंड। काशिफ साहब, आप चूंकि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो बिजनेस कम्युनिटी इस सारे सूरत हाल को जो इस वक्त डेवलप हो रही है और अब तक जहां पे हम IMF के साथ पहुंचे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वी वर वेरी होपफुल के IMF के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता स्टाफ लेवल पे तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अल्टीमेटली हमारा जो रुपी है वो बेहतर होगा, इन्फ्लेशन बेहतर हो जाएगी, रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे, और IMF के साथ अगर स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट हो जाता है तो जो कंटेनर्स 11,000 कंटेनर्स खड़े हैं इस वक्त पोर्ट के ऊपर उसकी रिलीज में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए, हम तो बहुत परेशान हैं, और जैसा कि कहा कि हम जो ये कहते हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, हमारी हमारी तो लोकल इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। आपकी सारी लोकल इंडस्ट्री बंद होने को जा रही है। आप टैक्स की बात कर रहे हैं, IMF कह रहा है कि टैक्स के टारगेट्स को बढ़ाएं। जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो आपके टैक्स के रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बंद करके जो आपके घरों अच्छा के काशिफ साहब मुझे ये बताएं कि आप ये जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये जो खबरें सामने आती हैं जी कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो हमारी सनतें हैं, कारखाने हैं, वो बंद हुए हैं, लोग ले ऑफ कर दिए गए हैं, बेरोजगार हुए हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है और उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, बात ये है कि हमारे जो रिजर्व्स कम हुए हैं, आपके जो कंटेनर्स पोर्ट के ऊपर इतने खड़े थे, हमारे तमाम रॉ मटेरियल्स तो इंपोर्ट होते हैं, तो जब आपके रॉ मटेरियल्स ही आपको नहीं मिलेंगे तो आप इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे? यहाँ पर आपके तो कॉटन यहाँ पर नहीं है, 15 मिलियन बेल्स की आपके लोकल इंडस्ट्री की डिमांड है और 5 से 6 मिलियन बेल्स आप प्रोड्यूस करते हैं, और हम ये कहते हैं कि 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स हमारी टेक्सटाइल्स की कंट्रीब्यूट होती है, तो जब आपका मेजर रॉ मटेरियल ही बाहर से आना है और वो आपका क्लियर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आपकी तो सारी मशीनरी जो है वो स्टक हुई पड़ी है, टूल्स आपके स्टक हुए पड़े हैं। अभी ये तो बात हो ही नहीं रही कि जनाब आपकी मशीनरी इंपोर्ट होनी है, ऐसी मशीनरी जो लगी हुई है और उसके सिर्फ 5, 10, 15 हजार डॉलर के टूल्स हैं, वो भी आपके रिलीज नहीं हो रहे, तो आप इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे? इस गवर्नमेंट की जो अप्रोच है टुवर्ड्स बिजनेस कम्युनिटी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमें होना चाहिए, यही एक तरीका है, एक बड़ा मेजर तरीका है कि डॉलर्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी है। मुझे ये बताएं कि इस गवर्नमेंट की जो अभी तक की जो पॉलिसी है, कोई आप लोगों को समझ आ रही है? आप लोग उससे खुश हैं? आप समझते हैं कि ठीक डायरेक्शन पे हैं ये? मैं आपको एक बात बताऊं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को शायद उस तरह से नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम अपनी इंपोर्ट्स को जरूर कम कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो हमने क्या किया है मुझे ये बताएं, लोकलाइजेशन हमने की है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, हमारी तो जो इंडस्ट्री लगी पड़ी है हम तो उसको बंद करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये देखें, अगर आप इसको फ्री फ्लोट कर देंगे, आप इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे, आप डिवेल्यू कर देंगे, डिवेल्यू देखिए मेरे से सीनियर्स बैठे हैं आपके साथ माहिरीन, आपकी जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप अगर कंट्री हो तो फिर आप इसको डिवेल्यू करो। आपके तो रॉ मटेरियल्स अगर आप डिवेल्यू करते जाओगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जाएगी। आप हमें जो डबल हिट पड़ रही है,
$25 बिलियन के आप फ्यूल बाइट से इंपोर्ट करते हैं, देखें जब तक आप अल्टरनेट एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं कुछ कर सकते। देखिए ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन व्हाट वी आर डूइंग, हमें सोल्यूशन की तरफ आना है। हम तो ये काम करें 2 महीने गुजार लो, 6 महीने गुजार लो, 5 महीने गुजार लो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज हम जो है बिल्कुल हम मैं एक लोकल जो है ना वो फ्रेज़ यूज़ करूँगा, डंग टपाऊ काम पे हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम चला रहे हैं इस मुल्क को, आज गुजर जाए कल फिर सोचते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट द पॉलिसीज ऑफ दिस मैनी गवर्नमेंट्स द प्रीवियस गवर्नमेंट, ये हम इसी तरह करते रहे अनफॉर्चुनेटली। मैं एक शॉर्ट ब्रेक लिए यहाँ पर ले लूँ नाज़रीन, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ये जो डॉलर हमारे बताते रहे हैं जी के एक जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं और स्मगल हो रहे हैं, ये खबर मैंने पढ़ी कि तकरीबन 50 लाख डॉलर जो है वो हर दिन जो है वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, तो ये तो कम अज़ कम हुकूमत रोक नहीं सकती है ये? देखें ये तो मैं समझता हूँ जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं और कस्टम्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर तवज्जो दें, और ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान से हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं उसके इंपोर्टर्स यहाँ पे पैसे लेते हैं रुपयों में और यहाँ से डॉलर्स खरीद के वो भिजवाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सर ये डॉलर की स्मगलिंग से ज़्यादा होर्डिंग का ज़्यादा बड़ा इशू है। ठीक कि लोगों ने डॉलर्स अपने लॉकर्स में अपने घरों के अंदर ये रखे हुए हैं, और वो अगर आप इंसेंटिव्स क्रिएट कर देंगे तो हमें लोगों को ब्लेम करने के बजाय 350 का तो नहीं क्रिएट किया जा सकता कि सर लागे जो है वो मार्केट में बेचना शुरू कर दे। बुनियादी तौर पे अगर ये डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार ना होता पाकिस्तान और ये आर्टिफिशियली हम मैनेज करने की कोशिश ना करते तो लोगों के लिए इंसेंटिव भी शायद ना होता। अभी आप ये देखें ना लोगों ने अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स बाहर रोक ली या रेमिटेंसेज हुंडी और हवाला के जरिए भिजवा रहे हैं, तो बुनियादी वजह ये है कि हमने एक इंसेंटिव क्रिएट किया उनके लिए। कम अज़ कम इसको हमारे पाकिस्तानी पहले देखें ना हर महीने आई डोंट नो कि कोई 1.5 अरब डॉलर या 1.25 अरब डॉलर आते थे, अब वो कम हो के पिछले साल के मुकाबले में इस 3 महीने में देखें तो कितने कम हो चुके हैं वो पता, आई डोंट नो कि पाकिस्तानियों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया है या इंटरेस्ट नहीं है या क्या वजह है, बट यू नो हर तरफ से प्रेशर है इस गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में एक तो यानी ग्लोबली इन्फ्लेशन हायर इन्फ्लेशन एक फिनोमेना है, वहाँ पे लोगों के पास शायद डिस्पोजेबल सेविंग्स इनकम जो है कम हुई और सेविंग्स भी कम हुई होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी भिजवा रहे हैं पैसे, आप जब 2 रेट्स या 3 रेट्स या 4 रेट्स रखेंगे तो उनके लिए यह है कि वो बैंकिंग चैनल के जरिए ऐसे चैनल के जरिए भिजवाएं जहाँ पर उनको चंद रुपए ज़्यादा मिले, तो आपने ये आर्टिफिशली मैनेज करके ना आपने ये बिल्कुल डॉक्टर खाकान नजीब साहब ठीक कह रहे थे, अगर 2-3 महीने पहले ये IMF का प्रोग्राम कर लेते आप स्टैगर करके करते, वो जो फ्लड गेट आपने बंद किया हुआ था वो पानी जब तेज़ आया तो वो आपको तोड़ना पड़ा, आप ऑयल की प्राइसेस भी स्टैगर करके बढ़ाते तो शायद लोगों को इतना महसूस ना होता। अब ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं आप ये देखेंगे कि आइंदा चंद माह के अंदर ये एक पाकिस्तान में मेजर एक इशू होगा, और वो स्टैगफ्लेशन की तरह असल में बढ़ रहे हैं जहाँ पे लो ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन है, और ये डबल एज सोर्ड है, इसके नतीजे में बेरोज़गारी बढ़ेगी और गुर्बत में इजाफा होगा। तो हमें थोड़ा सा IMF के प्रोग्राम ठीक है इसके अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फेजेस के अंदर इसको कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। डॉक्टर साहब कितनी महंगाई आप देख रहे हैं, 170 अरब तो मिनिस्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमने टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट करने हैं, बट अभी डिटेल्स जाहिर है कि वो कहते हैं ना कि डिटेल्स के अंदर ही पता चलेगा कि एक्चुअली IMF जो है हमसे क्या चाहता है। सो आप समझते हैं कि मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 50 रुपये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो ऑलरेडी हम पेट्रोल के ऊपर तो कर रहे हैं लेकिन डीजल पे 40 हैं वो 10 रुपये हम बढ़ा देंगे, तो उसके बावजूद भी तो ये जो एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से तो फिर पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। So, देखिए आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक इन्फ्लेशनरी स्पाइक आएगी जब हम ये इकदाम उठाएंगे, जब हम टैरिफ्स चेंज करेंगे, जब हम थोड़ी सी टैक्सेशन लगाएंगे, ये दुरुस्त बात है, बट अगर ये हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? श्रीलंका में पेट्रोल मिलता नहीं है, बच्चों का दूध लेने के लिए लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और इन्फ्लेशन 70 से 90% है घाना और श्रीलंका में जो डिफॉल्ट कर गए, उसके बाद उनको क्या करना पड़ा? एक साल से श्रीलंका कोशिश कर रहा है टू गो बैक टू द IMF,
सो याद रखिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन कहाँ होगी। अब आपका सवाल कि एग्जैक्ट ये करके इन्फ्लेशन कहाँ होगी, जो इम्पेरिकल स्टडीज इस वक्त अवेलेबल हैं उसके लिहाज से लग रहा है कि कहीं 35% के करीब जाके शायद सेटल करेगी इन्फ्लेशन, अगर हमें ये करना पड़ा ये सारी चीजें जो कि हमें करनी है टू बी इन दी आईएमएफ प्रोग्राम। सो दी 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 जो अदर ऑप्शन जो है वो अनवाइबल है और वो हो ही नहीं सकता, हम घाना और श्रीलंका की तरफ जा ही नहीं सकते। पर ये भी याद रखिए कि ये सेटल कर जाएंगी चीजें, एक स्पाइक जरूर आएगी। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, और एक मुझे अच्छा लगा जब आज अथॉरिटीज ने ये बात की, 360 से बढ़ा के आपने 400 अरब कर दिया अपना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास या आईएसपी जो भी आप उसको कहना चाहें, ये एक बड़ी अच्छी बात है। आप और मेजर्स लें, आप फ्लड पे एडजस्टर लें आईएमएफ से और फ्लड पे स्पेंडिंग करें। आप मिनिमम वेज, आज के दौर में मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि वो 25,000 रुपया है पाकिस्तान में, बढ़ा देना उसको, क्यों नहीं बढ़ा देते, किसने हमें रोका है कि हम उसको नहीं बढ़ा सकते। मैंने ये भी कहा है कि आप फ्यूल की फुल प्राइस पास थ्रू करें हमारे जैसे लोगों पर, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कमा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, और ये हम 40 से 50% फ्यूल इस्तेमाल भी करते हैं मुल्क का। पर ऐसी क्या चीज आपको रोक रही है कि आप रिक्शा या आप मोटर बाइक चलाने वालों को या आप 800 सीसी गाड़ी चलाने वालों को फ्यूल कार्ड के जरिए पेमेंट क्यों नहीं कर सकते? ये डायरेक्ट सब्सिडी है, मैं कतई तौर पे इनडायरेक्ट सब्सिडी की बात नहीं करा। डेटा बैंक्स हमने बनाए हैं जहां हमने काम किया है, तारीफ करनी चाहिए। पाकिस्तान का नादरा एक अच्छा डेटाबेस है, पाकिस्तान का पराल एक अच्छा डेटाबेस है, एक्साइज इंटेक्स ये डेटा काम आपको करने पड़ेंगे, वरना अगर आप इनको शील्ड नहीं करेंगे। और आखिरी कदम जो मैं समझता हूँ जिसमें हकूमत का किरदार है, बिजनेसेस का किरदार है, वो है कि सप्लाई साइड को बेहतर करें। ये याद रखिए कि आटे की थोड़ी सी किल्लत ने आटे की कीमत को 65 रुपए से 150 रुपए कर दिया था, ये वाइबल चीज नहीं है। नहीं कर हुकूमत दिया को था, नहीं सप्लाई अभी भी, साइड, अभी भी अगर आप जाएं तो मार्केट में तो आटे की मतलब बहुत महंगा मिल रहा है ना, आटा तो सस्ता है। 15 किलो का जो बैग है वो भी तकरीबन 2100-2200 रुपये में फरोख्त हो रहा है ओपन मार्केट के अंदर। तो आप दुरुस्त फरमा रहे जी हैं। सो सप्लाई साइड को हैंडल करने के लिए डॉलर्स आएंगे तो एडिबल ऑयल भी बाहर से आएगा, वीट भी बाहर से आएगा। मेरे दोस्त चेंबर के जो हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, कॉटन पाकिस्तान में हुई है, ये फिगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 4.75 मिलियन बेल। पाकिस्तान की खपत लास्ट ईयर की 15 मिलियन बेल की है। पाकिस्तान जो कॉटन उगाता है वो वैसे भी लो क्वालिटी है, वो एक्सपोर्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकती। इस वक्त जो मुझे इतला है पोर्ट पे 6 लाख से ज्यादा बेल जो है वो मौजूद है, हमें ये बेल रिलीज करानी है ताकि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। सही है। इस वक्त भी आपकी टेक्सटाइल में एक जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, हमें ये सारे मसले से निकलना है यार। बिल्कुल सही है। मैं काजी साहब आपकी तरफ आता हूँ, एक शॉर्ट ब्रेक क्विकली नाज़रीन हम ले लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक काजी साहब। मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो मुश्किल है अब ये सारे फैसले करना, बिकॉज आपने डिफॉल्ट से अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं उसको भी अगर बेहतर करने के लिए ये सारे इकदाम करने हैं, तो एनर्जी जब महंगी होगी, बिजली महंगी होगी या गैस महंगी होगी, तो आपका जो एक्सपोर्टर है या जो कारोबारी शख्स है उसके ऊपर कितना बोझ आप देखते हैं कि पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि मैं ये बात क्या करता चलूं कि हमारे मुल्क की पोजीशन एक ऐसे ड्रम की है जिसके ऊपर से हम पानी डालते जा रहे हैं और नीचे हमने 15 सुराख किए हुए हैं, ठीक। तो सो हमारा ये ड्रम भर ही नहीं सकता। सबसे पहले तो बात यह है कि हमें इन इनके सॉल्यूशंस की तरफ आना है। मैं यहाँ पर ये कहता हूं कि आपकी जो असेंबलीज हैं, आप उनके मेंबर्स को जो तनख्वाहें देते हैं, अगर इमरजेंसी है तो आप बंद क्यों नहीं करते? आप जो फ्री यूनिट्स देते हैं फेस्को को, लेस्को को, गैस वालों को, अगर इमरजेंसी है तो आप उसको बंद क्यों नहीं करते? ये जो फ्री सब्सिडीज दी जाती हैं आप इनको क्यों बंद नहीं करवाते? आप इनको बंद कराए ना, क्योंकि इमरजेंसी है। देखिए क्या इमरजेंसी, हम एट द कॉस्ट ऑफ अवर बिजनेस करना चाह रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत के बात करूंगा, और जब हमें पता है कि सोलर सेक्टर एक ऐसा है कि इसकी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट भी एक इंडिविजुअल ने खुद करनी है,
तो इन स्पाइट के आप उसको इनकरेज करें कि भाई तुम अपने घर के ऊपर सोलर लगाओ और तुम बिजली बनाकर हमें दो नेट मीटरिंग के थ्रू, तो हमने उनको फाइन करना शुरू कर दिया कि तुमने घर के ऊपर सोलर क्यों लगाना शुरू कर दिया। देखें, हमें अपनी इन तमाम ऐसी पॉलिसीज को देखना होगा। और मैं एक और भी, आप यहाँ पर देखें, फिर सीनियर्स बैठे हैं, मैं बात फिर वही करूंगा कि हम जो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क से रोज का 50 लाख डॉलर निकल रहा है यहाँ से, तो हम एक डिक्लेरेशन क्यों नहीं दे देते, ऐसा अनडिक्लेयर्ड जो फॉरेन रिजर्व्स है स्टेट क्यों नहीं मांग लेती अपने पाकिस्तानियों से कि भाई आपके पास जो अनडिक्लेयर्ड फॉरेन रिजर्व्स हैं आप वो हमें दे दें 2-3 साल के लिए। देखिए, हमें ऐसे इकदाम उठाने होंगे, हमें आउट ऑफ द बॉक्स आके ऐसा करना होगा। और देखिए, इट इज वेरी आशिफ साहब, इंपॉर्टेंट, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो तो ऐसे ही देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो कायदीन हैं या उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं, उनकी अपनी एसेट्स कहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में। यानी जो इस मुल्क को रूल कर रहा है उसको यकीन नहीं है कि उसका माल, उसके रिजर्व्स या उसका पैसा या डॉलर इस मुल्क के अंदर सेफ हैं। यानी उनकी वो खुद जमानत नहीं दे सकता, तो आप लोगों को कहते हैं कि वो ऐसा करेंगे। देखिए, हाउ इट इज पॉसिबल? मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले दिनों रावलपिंडी चैम्बर्स ने कन्वेंशन किया, वहां पर 55 के करीब चैम्बर्स थे, एंड वी डिसाइडेड कैटेगरिकली कि अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन नहीं करती तो वी विल बायकॉट द इलेक्शंस, हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। हम इन्हें अब इकोनॉमी, हमें इस वक्त मईशत चाहिए है, हमें इस वक्त हमें सियासत नहीं चाहिए है। और ये देखें, आपके मुल्क के हालात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक ये सियासी पार्टियां एक पेज के ऊपर नहीं आएंगी। पहले ये एक पेज के ऊपर बैठे, हम क्या करेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक पेज को फाड़ चुके हैं, बल्कि उसको आग लगा चुके हैं, ये एक पेज पे कभी भी नहीं आएंगे। तो फिर देखें, गेट रेडी फॉर इट कि आपका जो डॉलर वर्सेस रुपी पैरिटी है 500 को होने जा रही है, पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, स्कूल्स बंद हो जाएंगे, इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, देन गेट रेडी फॉर इट। अगर हम ये, अगर जो हमें चला रहे हैं, देखें, मैं यही तो बात कर रहा हूं कि जो इस मुल्क को चला रहे हैं उनके बच्चे अमेरिका में बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उनके बच्चे तो यहाँ है नहीं, ना उन्हें फीसें देने देने का फिक्र है, ना उन्हें घर चलाने का फिक्र है। ये तो हम और आपको फिक्र है कि हमने क्या करना है। मेहताब साहब, कैसे होगा ये? देखिए, ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। इसके बगैर देखें, इस स्टेटस को अप्रोच से अब चीज़ें नहीं चलेंगी। साइज ऑफ द केक को बड़ा करना पड़ेगा, खाने वाले। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा मेहताब साहब, के बात की थी पार्लियामेंट के अंदर आके, तो इमरान खान ने कहा ये तो NRO मांग रहे हैं। तो जब इस किस्म की हमारी सियासी जमातों की अप्रोच होगी तो फिर मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? सर, मैं यही कह रहा हूँ, जिसे पोलिटिकल पार्टीज का सिर्फ इशू नहीं है, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क की जुडिशरी, इस मुल्क के सियासतदान, ये सबको बैठना पड़ेगा। ये इस तरह से देखें, अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये मुल्क इसी तरह से चलता रहेगा, हम उठ के बैठ के गुफ्तगू करके चले जाएं, इस तरह से अब नहीं चलेगा सर। अब वो वक्त आ गया है कि जहाँ पे बैठ के रूल्स ऑफ द गेम तय करने पड़ेंगे और उन रूल्स ऑफ द गेम पे चलना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें अब आगे से जो है ना जी, वो हाल्ट होनी शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान की सियासी माहौल के अंदर, जहां पे कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए, इवन पार्लियामेंट के अंदर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल देन? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप्स जो हैं ये मच्योर लोग हैं। आई हैड द डिस्टिंक्ट प्लेजर ऑफ वर्किंग विद ऑल ऑफ देम, और मैं इन तीनों को अच्छी तरह समझता हूँ। आखिर ये इस गेम में बहुत पुराने हैं, आज इनको बैठ के सिर्फ एक चीज तय करनी है। मैं बहुत सी एक बात होती है पाकिस्तान में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये मुमकिन नहीं है। एक दौर ऐसा था जरूर कि PPP और PMLN के दरमियान एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक्चुअली बना था, और हमने PPP की हकूमत थी इनफैक्ट, और दूसरी तरफ से डार साहब ही डीलिंग थे, और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना था। वो डॉक्यूमेंट भी कहीं फाइनेंस डिविजन में पड़ा होगा, ऐसे डॉक्यूमेंट आजकल के दौर हो सकता चाहिए क्या?
एक चीज चाहिए इस वक्त और वो है चार्टर ऑफ सर्टेनिटी। उससे मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब उससे यह है कि आप ये तय कर लीजिए कि इलेक्शन साइकिल क्या होना है। दैट इज ऑल दैट द कंट्री इज लुकिंग फॉर। जो भी फैसले आपने करने हैं, आज पंजाब असेंबली का कराना है, कल कराना है, केपीके का कब कराना है, फाइनल एनए के इलेक्शन कब होने हैं, आपको एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी देना है मुल्क को। काम इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने ही करना है। मैं बारहा ये बात करता हूं कि जो इंटरनेशनल डीलिंग्स हैं वो स्टेट ओन करती है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है, और इस वक्त जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना है और हमने उसके हाथ जो है वो स्ट्रॉन्ग करने हैं कि वो ये काम कर सके। दूसरी तरफ आपको एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी चाहिए। एंड आई मस्ट से कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज पे बात नहीं होगी, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, इन सब का एक कलीदी किरदार होगा टू इंश्योर कि पाकिस्तान जो है उसका जो हाइटेंड डिफॉल्ट रिस्क है उसको हम किसी तरह नीचे लाएं, और ये मस्ट है कि हम उसको नीचे लाएं, हम इसको यहाँ से आगे नहीं जाने दे सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपका, काशिफ अनवर साहब आपका, मेहताब हैदर साहब आपका, तीनों वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।